हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली 9 बजे हमारी ये क्लास होती है और इसमें हम लोग कवर करते हैं राजस्थान जीके को। जैसा कि आप सभी को विदित है, ये जो जीके है, PTT हो चाहे आपका BSTC हो, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में राजस्थान जीके के सवाल तो पूछे ही जाते हैं। और आज का ये जो पेपर होने वाला है आपका, कम्प्लीटली पर्यटन की दृष्टि से होने वाला है। जो भी हमारे राजस्थान में जो मंदिर है, जो मुख्यतः जो स्थल है ना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है और वैसे 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। और इसकी PDF जो है आपको राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर मिल जाएगी। राजस्थान क्लासेज आप जब गूगल में जाकर टाइप करोगे ना, तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट। चलिए, पहला है कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, बांसवाड़ा कहाँ पर है? तलवाड़ा में। याद रखिएगा दोस्तों, तलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, त्रिपुरा माता जो मंदिर है, इनको तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है, तुरताई माता। ठीक है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? रणकपुर जो मंदिर है, किस तीर्थकर को समर्पित है? तो दोस्तों, याद रखना, ये आदिनाथ को समर्पित है, भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जिन्हें कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रणकपुर जो जैन मंदिर है कहाँ पर? आप कहेंगे सर पाली में है। किस नदी के किनारे है? तो मगही नदी के किनारे है। दोस्तों, कौन सी नदी? मगही नदी के किनारे है। प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपके किराड़ू मंदिर जो है कच्छप घाट शैली में है, या फिर जो है आपके गुर्जर प्रतियार शैली में। गुर्जर प्रतियार शैली में है दोस्तों ये प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर। इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पे भगवान सोमदेव का मंदिर भी है, सोमेश्वर कह लीजिए ना। हाँ, अगला सवाल देखिएगा कि नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, हमीदुद्दीन नागौरी जो है, हमीदुद्दीन नागौरी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, रणकपुर के जैन मंदिर जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पर है? पाली में है। इसको खंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है, स्तंभों का वन भी कहा जा सकता है। 1444 खंभों का ये मंदिर है दोस्तों, कुंभा के समय इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे वैश्या मंदिर भी इसके अंदर बना हुआ है वैसे। और दूसरी बात करें यहाँ पे, तो ये देपा ने बनवाया था इस मंदिर को। ठीक है, यानी इसके शिल्पी थे देपा। ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे? धरणक शाह थे जो थे वित्त मंत्री थे, किसके? कुंभा के। ठीक है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? दोस्तों, अभी हमने बात करी, किराड़ू को कहा जाता है, जो बाड़मेर में स्थित है। अगला सवाल है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है। मातृकुंडिया कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। मातृकुंडिया कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थित कहाँ पर है? दोस्तों, नाकोड़ा जैन तीर्थ जो है ना, ये आपके मेवा नगर बाड़मेर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, नाकोड़ा तीर्थ है ना। और अगला सवाल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल कहा जा रहा है कि किस मंदिर के बारे में माना जाता है कि उसकी चुनाई जो है ना घी से की गई थी? तो ये वो मंदिर है जिसका नाम है दोस्तों भांडासर। ठीक है, भांडासर जो है ये जैन मंदिर है दोस्तों, दो भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था, बीकानेर में स्थित ये वाला मंदिर है। ठीक है, बेहतरीन सवाल था ये आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए कि प्रसिद्ध सुंदा माता मंदिर किस जिले में स्थित है? इनको चामुंडा माता भी कहा जाता है, अदर देवी भी कहा जाता है, चामुंडा माता अदर देवी माता है ना। तो ये आपके जालौर में स्थित है, जसवंतपुरा पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? जसवंतपुरा पहाड़ियों पर है ना। हाँ, इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों को जो है हम लोग मारवाड़ का दूसरा जो है माउंट आबू भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि तनोट देवी आवड़ माता का चमत्कारिक मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सीधी सी बात है, आप सभी को पता है, जैसलमेर में है। इन माताओं को बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है, जवानों की देवी भी कहा जाता है, आराध्य देवी, या फिर आप इनको आप रूमाल वाली देवी भी कह सकते हैं, रूमाल वाली देवी भी कह सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, किस शहर में प्रसिद्ध गंगा मंदिर स्थित है? तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। प्रसिद्ध गंगा मंदिर जो है ये आपके भरतपुर में है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर है दोस्तों, भरतपुर के ही लाल पत्थर वहाँ पर यूज किए गए हैं।
अगला सवाल है, राज्य के किस मंदिर में देवी के पीठ की पूजा की जाती है? तो पीठ की पूजा होती है ब्राह्मणी माता। दोस्तों ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा श्रृंगार भी होता है, ये सौरसेन में है, सौरसेन आपके 12 में पड़ता है, ऑप्शन सी सही होगा। थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी या फिर रूमाल वाली देवी किस माता को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तनोट माता या आवड़ माता, आवड़ माता का ही वैसे स्वरूप है। ठीक है, अगला सवाल है, बेणेश्वर शिव मंदिर जो है ना दोस्तों, ये मंदिर डूंगरपुर ज़िले में है, कौन से गांव में है? तो याद रखना नवा टापरा गांव में है। दोस्तों ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई बेणेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पर है डूंगरपुर में। इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जा सकता है, और जो है हम कह सकते हैं माई नदी के किनारे हैं। और ये जो है, चलिए अगला सवाल है, ये माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भी आयोजित होता है। ओके दोस्तों ठीक है, अगला सवाल है, संत जम्बेश्वर यानी जाम्बो जी का समराथल दोरा मुक्तिधाम मुकाम कहाँ पर स्थित है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, तो नौखा में है दोस्तों। किसका? जाम्बो जी का समराथल दोरा जो है ना ये नौखा में, नौखा बीकानेर में। एक नोख भी है दोस्तों, नोख अभी तक तो जैसलमेर में, आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कहाँ पर जाती है, फलोदी में चली जाएगी शायद। शिकारपुरा धाम जो है ना दोस्तों ये जोधपुर में कहाँ पर स्थित है? शिकारपुरा धाम जोधपुर में किस संत का प्रसिद्ध आस्था स्थल है? ठीक है, तो ये आपसे सवाल किया जा रहा है, जबकि राइट आंसर संत राजा राम जी हो जाएगा आपका राइट आंसर। शिकारपुरा धाम जोधपुर में है। उत्तर तोताद्री और मंकी वैली नाम से प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? दोस्तों जैसे उत्तर तोताद्री भी कहते हैं तो मंकी वैली भी कहते हैं। ये आपका गलता जी है, और गलता जी आपका जयपुर में है। ठीक है, यहाँ पे ये एक धार्मिक स्थल है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह परिसर में जामा मस्जिद बनवाई दोस्तों किसके द्वारा बनवाई गई? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह परिसर में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये बनवाई थी शाहजहाँ ने, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर तोताद्री और मंकी वैली हो चुका है आपका, अजमेर वाला भी हो चुका है। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ना वो फिलहाल वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में दोस्तों एक मस्जिद है, वो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, मस्जिद है। पहले ये क्या हुआ करता था? 2.5 दिन का झोंपड़ा बाद में हुआ, पहले ये हुआ करता था, संस्कृत पाठशाला थी ये। ठीक है, संस्कृत पाठशाला को जो है इसको तब्दील कर दिया था 2.5 दिन के झोंपड़े में, जो मस्जिद बना ली गई थी। राजस्थान में दक्षिणी भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा जो मंदिर है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है आपका दक्षिण भारतीय शैली। तो ब्रह्मा जी के मंदिर को कर दे क्या लॉक हम लोग? भाई इसका राइट आंसर जो है रंगनाथ जी का मंदिर करेंगे, पुष्कर में है जो, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों। और कोटा के निकट 300 फीट गहरी घाटी में स्थित मंदिर कौन सा है? तो 300 फीट गहरी घाटी में परशुराम महादेव तो दोस्तों नहीं है, है ना, और ये तो यहाँ पे है पाली राजसमंद में, तो गैपरनाथ महादेव हम लोग को लॉक कर दे क्या? हाँ सर कर ही दीजिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस मंदिर में कृष्ण के स्वरूप बर्बरी के शीश की पूजा की जाती है? किस मंदिर में कृष्ण के स्वरूप बर्बरी के शीश की पूजा की जाती है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, खाटू श्याम जी मंदिर जो, ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेवा नगर या महेवा नगर जैन तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? और ये आपके बाड़मेर में है, जिन्हें आप नाकोड़ा तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जा सकता है, नाकोड़ा। ठीक है, अगला सवाल है, चित्तौड़ में स्थित श्रृंगार या श्रृंगार चौरी है दोस्तों ये क्या है? महल है, विवाह स्थल है, जैन मंदिर है या स्मारक है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा जैन मंदिर है दोस्तों, ये क्या है? जैन मंदिर है। नेक्स्ट सवाल है कि रनकपुर का जैन मंदिर मूलतः किस जैन तीर्थ स्थल को समर्पित है? रनकपुर का जैन मंदिर जो है ना ये आदिनाथ, भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सेम प्रश्न जो कि इस प्रकार से पूछा गया, कंसुआ का प्रसिद्ध शिव मंदिर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। कंसुआ यानी कि कोटा, माउंट आबू पर अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, दिलवाड़ा। ठीक है, और दिलवाड़ा में कुल 5 मंदिर प्रांगण बने हुए हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका माता को, अंबिका माता जो जगत में स्थित है, उदयपुर में स्थित है दोस्तों, मेवाड़ का खजुराहो जैसे कहा जाता है। ठीक है,
और हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों? हाड़ौती का खजुराहो तो वो कहा जाता है भिंड देवरा को, जो कि भिंड देवरा 12 में पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव जो है ना दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर में, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पे भी सही जवाब होगा। राज्य का सबसे बड़ा बुढ़ा जोड़ का गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा ये आपके गंगानगर में है। और कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आप बताइए। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह, कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह, कितने मतलब है ना, वो कहते हैं ना कि ओपता शब्द है, यानी ओपती बात है, अटे कांठल यानी काका जी दरगाह, ठीक है। शक्कर पीर बार की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शक्कर पीर बार की दरगाह नरहड़ झुंझुनू में है, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। बहुत शानदार सवाल था। और अगला सवाल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ठीक है। 12वीं सदी में कांठल का ताजमहल हो चुका है हमारा। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्न पर्यटन स्थल या मंदिरों एवं जिलों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सोनी जी के नसी अजमेर में है, आर्थुना मंदिर बांसवाड़ा में है, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में है, सवाई भोज मंदिर भीनमाल में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सवाई भोज मंदिर आपके कहाँ पर है? सवाई भोज मंदिर आसिंद में है, ठीक है। कहाँ पर है? आसिंद में, ठीक है ना। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। राजस्थान का वह मंदिर जो पवित्र चूहों या काबों के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है, वो माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर, ठीक है दोस्तों। तो चूहों वाली माता भी कहा जाता है, और मतलब चूहों का मंदिर भी कहा जाता है वैसे। थार की वैष्णो देवी सैनिकों की देवी के नाम से प्रसिद्ध तनोट आवड़ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सीधी सी बात है, जैसलमेर में है ना। हाँ सर पता है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। और अगला सवाल है, श्री गंगानगर में स्थित बूढ़ा जोड़ तीर्थ का संबंध किस धर्म से है? तो ये धर्म जो है ये सिख धर्म से है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपके थे 40 क्वेश्चन, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में दोस्तों, मैं आप पे लिख रहा हूँ। तो ये सवाल आपके सामने है दोस्तों, भारतीय लोक कला मंडल जो है ना किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज की क्लास बड़ी शॉर्ट करी है मैंने। और राजस्थान 360 आपका अपना ऐप है दोस्तों, इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। वेबसाइट भी फ्री है, ऐप में भी आप फ्री वाला कोर्स लेना चाहो तो फ्री ले सकते हैं, और इसमें भी आपका पेड कोर्स भी देखने को मिल जाएगा आपको। तो राजस्थान 360 नाम से ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना दोस्तों। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और क्लास को शेयर ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।